कहिए अतिथिगण, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कृपया ऋषि वाल्मीकि को सूचना दीजिए कि अयोध्या से राम, जानकी एवं लक्ष्मण उनके दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार श्रीराम, जनक नंदनी सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण आश्रम पधारे हैं। हे साधक, हे संत विचारक, हे आदि कवि वाल्मीकि, मुझे अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य दीजिए। नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तो कुख्यात दस्यु था, अपराधी था। लोग मेरा नाम सुनकर कांप उठते थे। मैं तो बहुत बुरा मानव हूं। यह तो उस ब्रह्म की कृपा है कि मैं उस अंधेरे से बाहर निकल आया। फिर भी मैं स्वयं को इस योग्य नहीं समझता कि मेरे चरण स्पर्श किए जाए। हे ऋषि श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वृक्ष का बीज जब धरती के ऊपर रहता है तो उतना सुंदर और सुडौल दिखाई नहीं देता, किंतु जब वही बीज धरती की कोख में समाकर एक वृक्ष बनकर उभरता है तो समस्त संसार के लिए हरे पत्ते, सुगंधित पुष्प एवं स्वादिष्ट फलों का कोष बन जाता है। उसी प्रकार जब आप घोर तपस्या और ज्ञान में डूब कर उभरे तो सारे संतों और महान कवियों के आदर्श बन चुके। जो व्यक्ति अपने कर्म से महान कहलाता है उसकी महानता की कोई सीमा नहीं होती। ऋषिवर, प्रणाम। गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव, तुम्हें देखकर मेरे मन में जो भावना उठ रही है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पुत्री कहकर पुकारूं। केवल पुकारिए नहीं ऋषिवर, पुत्री समझिए भी। चिरंजीवी भाव, भले समय पर आए आप लोग। मैं आपके बाल्यकाल से जीवन का चरित्र चित्रण कर रहा हूं और मेरी ये प्रबल इच्छा थी कि उसका अवलोकन उसी के हाथों हो जिसका ये चरित्र चित्रण है। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज ये अवसर मेरे हाथ आ गया। देव भाषा का इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञाता एक साधारण शिष्य से अवलोकन के लिए कह रहा है। मैं आपका स्थान जानता हूं। आपके कुलगुरु वशिष्ठ मुझे बता चुके हैं कि आप साहित्य, कला एवं संस्कृति के असाधारण ज्ञाता एवं विद्वान है। अवलोकन तो आप ही को करना होगा। आइए विश्राम कीजिए। महाराज की जय हो। सेनापति, क्या समाचार मिला? मेरे गुप्तचर कुछ समाचार लाए हैं महाराज, और उन्हें सुनकर मैं कुछ उलझन में पड़ गया हूँ। क्या सोचना इतनी चिंताजनक है? चिंताजनक तो कहना उचित न होगा मेरे लिए, पर हाँ आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। आप मेरा कौतूहल बढ़ा रहे हैं, कृपा शीघ्र बताइए क्या सूचना लाए हैं आपके गुप्तचर। गुप्तचरों का कहना है कि
राजकुमार भरत के साथ विशाल सेना तो है ही, गुरु वशिष्ठ और तीनों राजमाताएं भी हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? यह स्वयं मैं समझ नहीं पाया महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि राजकुमार भरत जो मेरे ज्येष्ठ जामाता से युद्ध करने जा रहे हैं, उनके लिए कुल गुरु वशिष्ठ की सहमति और तीनों राजमाताओं की अनुमति भी प्राप्त है, जो असंभव है। या फिर राजकुमार भरत का उद्देश्य युद्ध नहीं, कुछ और है जो संभव है। युद्ध के अतिरिक्त उनका उद्देश्य और क्या हो सकता है महाराज? ये जानने के लिए हमें अपने आप को और अपनी सेना को छिपा कर रखना होगा, और राजकुमार भरत और उनकी सेना की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी, और फिर उचित समय पर उचित पग उठाना होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? सेना को आदेश दीजिए कि वो हमसे दूरी पर हमारे पीछे रहे, केवल हम और आप आगे जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। मेरी राज दुलारी सीता न जाने वन के कष्टों को कैसे झेल रही होगी। सीता, सीता, सोच में पड़ गए स्वामी। मेरे नेत्रों के समक्ष वो दृश्य घूम गया देवी, जब मैंने पहली बार आपको जनकपुरी की एक पुष्प वाटिका में ऐसी एक भोर में पुष्प तोड़ते हुए देखा था। तब आप जनकपुरी में थी, राजकुमारी थी, किंतु आज 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 कोई अंतर है स्वामी? भोर भी वैसी ही है, पुष्प भी वैसे ही है, किंतु आप जनकपुरी में नहीं है, एक उजाड़ वन में है, और आप राजकुमारी नहीं है देवी, एक वन से दूसरे वन भ्रमण करती दुखियारी है। जहां मेरे राम है वही मेरी अयोध्या, वही मेरी जनकपुरी, और आपने मुझे दुखियारी कैसे समझ लिया? जिस नारी को सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर क्षण हर पल अपने स्वामी का साथ प्राप्त हो, वो नारी दुखियारी कैसे हो सकती है? वो तो सबसे सौभाग्यशाली नारी है, और यदि वो दुखियारी है तो इस संसार की हर नारी दुखियारी होने को अपना सौभाग्य समझेगी। धन्य है आप, धन्य है। ये वाक्य तो केवल आप ही के मुख से निकल सकते थे। ये पुष्प तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई? भ्राता लक्ष्मण जल लेने गए हैं, तो मैंने सोचा आपकी पूजा का समय हो रहा है, मैं ही पुष्प तोड़ लाऊं। सत्य स्वामी, आपका ये तपस्वी वेश आप पर इतना भव्य लगता है कि राज्य की वेश भी इसकी तुलना में तुच्छ लगता है। सीता, तभी तो मुझे वो
जनकपुरी की वाटिका का दृश्य स्मरण हो आया। भ्राताश्री, भ्राताश्री, क्या हुआ अनुज? भ्राताश्री, भ्राता भरत विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से इसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं।